हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है 14 अगस्त। तो सबसे पहले आप लोग कहना चाहूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पाकिस्तानीज। हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? और स्टे ट्यून्ड। और ये पिछले साल के ब्लॉग जैसा देखने वाला, इसमें हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं इस दफ़ा के ब्लॉग में। और जो मैंने ट्राइपॉड लिया था, ये मैं उसकी वजह से बना रही हूँ इस दफ़ा ब्लॉग, इसमें मुझे पकड़ना नहीं पड़ा। और ये पीछे मेरा भाई जो है वो गेम्स खेल रहा है, उसको इग्नोर करें बिल्कुल, ठीक है? सो आप लोगों को आज मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। सो स्टे कनेक्टेड। ये लोग भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं। सो गाइज लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच फिर मैंने किया, उसको रिकॉर्ड भी किया। सो गाइज 14 अगस्त था, तो हमने सोचा चलो बाहर थोड़ा घूमने चलते हैं। तो हम लोग जा रहे थे मॉल एज यूजुअल घूमने के लिए, तो मेरा दिल था बाइक राइडिंग करने पे, तो इसलिए मैं। सो गाइज ये मॉल आए थे हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ की सारी जगह दिखा रही हूँ। ऐसा था कि यहाँ पर इतना का रश था ना, सारे लगता यहीं पे आए हुए थे हमारी जगह से भी सोच के, इतना ज़्यादा रश था। यहाँ सारी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी, तो इतना रश था कि डेकोरेशन भी नहीं देखी जा रही थी। मैं आप लोगों को सारा अपने साथ साथ दिखा रहा हूँ। फिर गाइस हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो क्या है मैं किस साइड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत शाई हूँ। फिर हमने निकालने से आइसक्रीम खाई, फिर हम घर वापस आ गए। आके मैंने बिग बॉस का फाइनल देखा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कौन जीतने वाला है। एलविस जीतेगा, फुकरा इंसान यानी अभी शेख मलहान। इतनी क्यूरियोसिटी थी, इतनी क्यूरियोसिटी के रिकॉर्ड कर करके मैं देखी जा रही थी। मैंने काफ़ी ऐड नहीं की, लेकिन इतना मेरा शौक था ना बिग बॉस का एंड देखने का, पता नहीं क्या इस तरह हो रहा था। पिछले साल मैंने देखा भी नहीं, इस साल ट्रिगर इंसान का भाई शेख मलहान जो गया हुआ था, इसलिए मैंने सारा का सारा बिग बॉस देखा है। और एंड तो इतनी क्यूरियोसिटी थी मुझे, मैं आप लोगों का बता ही नहीं सकती। और अभी भी और सलमान खान ने इस दफ़ा इतना ज़्यादा हंसाया ना कि ये जीता वो जीता है, मैं तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। सो गाइस पर अपनी क्लिप ऐड नहीं कर सकी। एक्चुअली मैंने ग्रीन ड्रेस पहना था बाहर जाने के लिए, लेकिन क्या है कि इतना रश में अपनी पिक्चर्स खींच नहीं पाई, मैंने सिर्फ सेल्फीज खींची थी, वो मैंने ऐड नहीं की। और घर आके मैंने सिर्फ टिकटॉक्स बनाए थे, और टिकटॉक्स मुझे डालते हुए शर्म आएगी, तो इसलिए मैंने टिकटॉक डाली नहीं, क्योंकि मैं शार्प पर्सन ही ना, तो इसलिए मैंने टिकटॉक्स नहीं डाले। और ना मैंने कोई अपने ड्रेस वगैरह की आप लोगों को कोई पिक्चर वगैरह दिखाई। मैंने कहा बिग बॉस देखते थे तब मैं बोर ना हो गया, तो इसलिए मैंने अपना वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया था, और मेरी बहुत इंजॉय करी। और अगर आप लोगों को ऑल्ड वॉक्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना। और यहाँ पे एलविश सलमान खान के साथ जो है वो बोल रही हैं, उसको मैंने ट्रिगर इंसान की लाइफ खोल कर वो देखी। तो इस दफ़ा मैं अपनी ड्रेस वगैरह की लगा नहीं पाई पिक्चर्स, और ये तो मुझे रात को भूख लगी थी, मैंने ये खाया क्योंकि मैं रात देर बाद तक जागती रहती हूँ। यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा। और फिर से कहना चाहूँगी पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर ये ब्लॉग 15 अगस्त को आया तो मैं कहना चाहूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया एंड साउथ कोरिया। बाय बाय।